हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द क्लास आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज़ की जो हमारी बॉडी है उसकी लॉन्गेस्ट बोन है वो कौन सी है ऑप्शंस हैं स्कल रेडियस ह्यूमरस एंड फीमर तो हमारा राइट right आंसर होगा फीमर जो फीमर होती है जो थाई की बोन होती है वो होती है सबसे लॉन्गेस्ट बोन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ आर बी सी इज़ गिवन बाई जो आर बी सीज होती हैं रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जो कलर है वो रेड होता है वो किसकी वजह से होता है हैं हैंटीन ग्लोबिन चाइम एंड हिम तो हमारा राइट right आंसर होगा हिम क्योंकि जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं जो रेड कलर होगा वो होगा हिम की वजह से ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कवरिंग ऑफ हर्ट इज कोल्ड जो हर्ट की कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे ऑप्शन है पेरिटोनियम प्लूरा पेरिकार्डियम एंड मायोकार्डियम तो हमारा जो राइट right आंसर होगा कवरिंग ऑफ हर्ट इज कोल्ड पेरिकार्डियम जो हार्ट की कवरिंग होगी उसको हम बोलेंगे पेरीकार्डियम बात करते हैं हम पेरिटोनियम की जो पेरिटोनियम होती है वो होती है कवरिंग होती है एब्डोमिनल कैविटी की ठीक है जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी और जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं ठीक है जो पेल्विक कैविटी है उसकी जो कवरिंग है उसको बोलेंगे पेरिटोनियम ठीक है एंड प्लूरा जो प्लूरा होती है वो होती है लंग्स की कवरिंग की जो लंग्स की कवरिंग होगी उसको बोलेंगे प्लूरा और जो मायोकार्डियम होती है वो हर्ट की जो मिडल कवरिंग होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम जो हार्ट की मिडल कवरिंग है ठीक है तो जो हार्ट की कवरिंग है उसको बोलेंगे हम पेरिकार्डियम जो एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी की जो कवरिंग होगी उसको बोला जाएगा पेरिटोनियम एंड प्लूरा होगी कवरिंग ऑफ लंग्स देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प फ्रॉम लेफ़्ट वेंट्रिकल इज़ टर्म्ड एज जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं जो ब्लड है वो पम्प आउट करते हैं उसकी वॉल्यूम को क्या बोलते हैं ऑप्शनस हैं सर्कुलेट्री वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डिक वॉल्यूम एंड सॉरी कार्डिक आउटपुट एंड कार्डिक इनपुट तो हमारा राइट आंसर होगा जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इज टर्म्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम हम उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम होता है उसको हम बोलते हैं जो ओवरऑल जो ब्लड फ्लो होता है डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन से के लिए जाता है हार्ट से एंड इवन जो लंग्स के थ्रू जो होता है कि जहाँ पे जो होता है प्योरिफिकेशन होता है ना ब्लड का एंड इवन जो ब्लड जो बॉडी में जो फ्लो होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया जो लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप कर रहे हैं ब्लड को वो कार्डियक आउटपुट होता है कि जो वॉल्यूम होता है जितना कि वेंट्रिकल से पर मिनट जितना ब्लड आउटपुट होगा हम उसको बोलेंगे कार्डिक आउटपुट और जो जितना इन होगा उसको बोलेंगे कार्डिक इनपुट देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइर ऑफकस ड्यू टू द डेफिशेंसी ऑफ जो गोएटर है एक डिजीज है वो किसके डेफिशेंसी की वजह से होती है ऑप्शनस हैं आयोडीन कैल्शियम पोटाशियम एंड क्लोराइड जो गोइटर होगी वो होगी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर की बात करते हैं तो गोइटर जो है वो होती है कि एनलार्जमेंट हो जाती है इसमें किसकी जो थायरॉयड ग्लैंड की ठीक है एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाएगी और इरेगुलर सेल ग्रोथ होंगी इसके अंदर जिसकी वजह से नोडुल्स फॉर्म हो जाते हैं जो थायरॉयड ग्लैंड होगी उसकी स्वेलिंग होगी एंड इवंस जो सेल ग्रोथ होगा जिसकी वजह से नोडुल्स फॉर्म हो जाएंगे तो बेसिकली जो गोइटर होगा वो डेफिशेंसी होती है आयोडीन की कमी की वजह से जब नमक कम लेते हैं ना तो उस कंडीशन में जो डिजीज क्यूज होती है वो होती है गोइटर जीरोपथेलमिया इज़ ए डेफिशियंसी ड्यू टू विटामिन विच विटामिन जो जीरोपथेलमिया है एक आई डिसऑर्डर है ठीक है आई की डिजीज़ है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ड्राइनेस हो जाती है ठीक है ड्राइनेस हो जाएगी किसकी जो कंजेक्टिवा है एंड जो कॉर्निया पार्ट है उसकी तो बेसिकली ये किसकी वजह से होती है ये होती है डेफिशियसी ऑफ वाइटामिन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूस डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज रेफर्ड एज कि जो स्किन है उसकी नीला पड़ जाना किसकी वजह से होता है ऑप्शन है हाइपोक्सिया डिसनिया एपनिया एंड साइनोसिस जो ब्लूस डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की हम उसको बोलते हैं बेसिकली टर्म किया जाता है उसको साइनोसिस तो जो एपनिया है वो होता है कि स्टॉप जो ब्रीदिंग है उसका रुक जाना ठीक है उसकी स्टॉपेज हो जाना जो ब्रीदिंग प्रोसेस जो चल रही होती है उसका स्टॉप हो जाना उसको बोलेंगे हम एपनिया और डिस्निया होता है डिफ़िकल्टी ठीक है जो डिफ़िकल्टी होगी इन ब्रीदिंग उसको बोलेंगे डिस्निया एंड हाइपोक्सिया होगा इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ऑक्सीजन है उसका अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है ठीक है जो ओटू है उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा जिससे जो टिश्यू हैं वो हाइपोजिक महसूस करते हैं नेक्स्ट इज द नॉर्मल सप्लीमेंट ऑफ आयरन फोलिक एसिड ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड इज़ फोर कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है जो एंटीनेटल पीरियड होता है उसमें जो आयरन फोलिक एसिड दिया जाता है वो कितने टाइम के लिए दिया जाता है ऑप्शंस हैं वन टैबलेट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी डेली वन टैबलेट फोर हंड्रेड डेज टू टैबलेट फोर हंड्रेड डेज एंड थ्री टैबलेट फोर हंड्रेड डेज तो हमारा राइट आंसर होगा डेली वन टैबलेट फोर हंड्रेड डेज जो आयरन फोलिक एसिड है वो तीन महीने तक लगभग दी जाती है डेली की एक टैबलेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच फार्मूला इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग ई डी डी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है उसको जो कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है हमारा नेगलेज रूल एंड रूल ऑफ़ नाइन हम यूज़ करते हैं बर्न पेशेंट का जो एरिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो रूल ऑफ नाइन है वो होता है बर्न के लिए ठीक है जो बर्न पेशेंट है उसका एरिया डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं और जो नेगले रूल्स होता है हम उसको यूज़ करते हैं ईडीडी निकालने के लिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्लेंट ऑफ ओलिगोमेनोरिया ओबेसिटी एंड हिरोस्टिजम इन ए ट्वेंटी ईयर ओल्ड लेडी इंडिकेट कि कोई लेडी है जो कंप्लेन कर रही है ओलिगोमेनोरिया कि जो उसका मैंसुरेशन होता है फ्लो हो है वो डिक्रीज हो गया है जो उसका मैंसुरल फ्लो है वो डिक्रीज हो गया है एंड कैंसर ऑफ एंडोमेट्री सॉरी जो ओलिगोमेनोरिया उल, था वो था कि डिक्रीज हो जाना मैंसुरल फ्लो का ओबेसिटी होती है मोटापा एंड हिरोस्टिज्म होता है जो मेल के सेकेंडरी करैक्टर्स होते हैं ठीक है सेकेंडरी जो करैक्टर्स होंगे सेक जो प्यूबर्टी पे हो, होते हैं जैसे कि जो बियर्ड हैं जो फेशियल हेयर्स ग्रोथ हो जाती हैं एंड इवन जो हेयर लॉस है जो स्कैल्प का हेयर है उसका लॉस हो जाना जो मेल के सेकेंडरी प्यूबर्टी सिम्टम्स होते हैं वो फीमेल में दिखाई देने लग जाते हैं तो ये कंडीशन है वो कौन सी डिजीज है उसको इंडिकेट करती है ऑप्शंस हैं पी कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियम एंड प्रोलेक्टिनोमा एंड प्रेगनेंसी तो जो ओलिगोमेनोरिया है ओबेसिटी है एंड हिरोस्टिज्म है वो वो इंडिकेट करता है कि जो फीमेल है उसको पीसीओडी है जो पीसीओडी है उसकी फुल फॉर्म बोलते हैं पोली सिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर ठीक है पोलिस ओवेरियन डिसऑर्डर तो बेसिकली जो करेक्टराइज होगा वो होगा ओलिगोमेनेरिया ओबेसिटी मोटापा होगा एंड जो मेल के जो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फीमेल के अंदर दिखाई देने लग जाएंगे पीसीओडी की कंडीशन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नॉर्मल लेबर इज़ कोल्ड जो नॉर्मल लेबर है उसको हम दूसरा किस नाम से जानते हैं ऑप्शन हैं सुप्रियस लेबर डिस्ट्रोशिया यूटोसिया एंड फोल्स लेबर तो जो हमारा राइट आंसर होगा जो नॉर्मल लेबर है हम उसको बोलते हैं यूटोसिया जो यूटोसिया होगा वो नॉर्मल लेबर होगा डिस्टोशिया होगा एब लेबर ठीक है अब नॉर्मल लेबर को हम बोलेंगे डिस्टोशिया जो सुप्रियस लेबर है और जो फ़ॉल्स लेबर है वो दोनों साइनोनिम्स हैं जिसके अंदर जो लेबर है वो फ़ॉल्स होता है ठीक है फ़ॉल्स लेबर होगा जिसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी वो इरेगुलर होंगी जो पेन होगा वो भी मेडिसिन के थ्रू ठीक हो जाता है देन बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओवरलैपिंग ऑफ पेराइटल बोन ड्यूरिंग बर्थ इज कॉल्ड एज कि जो बोन्स होती हैं जो पेराइटल बोन होती हैं उनकी ओवरलैपिंग हो जाना बर्थ के समय पे क्या कहलाता है ऑप्शन है कैपुट मोल्डिंग हिमेटोमा एंड फ्लैक्शन की जो बोन की ओवरलैपिंग होगी हम उसको बोलेंगे मोल्डिंग जो कैपुट होता है वो होता है जो न्यू बोर्न है उसकी जो स्कैल्प होती है उसकी स्वेलिंग ठीक है स्वेलिंग ऑफ स्कैल्प ठीक है एंड हीमोटोमा होता है कि जो ब्लड क्लोट्स आते हैं किसी भी ऑर्गन्स के थ्रू ठीक है कि जो ब्लड है वो क्लोट्स की फॉर्म में है किसी भी ऑर्गन में तो हम उसको बोलेंगे हिमाटोमा और फ्लैक्शन होता है कि कोई भी जैसे बोनी पार्ट होता है उसका कि मूवमेंट करना इवन जैसे होता है ना मोड़ना पैर को वो भी फ्लैक्शन में ही काउंट होगा तो ओवरलैपिंग ऑफ पैराइटल बोन्स ड्यूरिंग बर्थ इज कॉल्ड एज मोल्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तो जो लेबर के में जो लेबर है उसके अंदर जो प्रोसेस होती है सर्विक्स की डायलेशन की तो उन्होंने पूछा है कि प्रॉपर जो डायलेशन हो जाएगा उसमें सर्विक्स का उसकी वैल्यू क्या होगी ऑप्शन है ट्वेंटी सेंटीमीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर सेवन सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर तो हमारा राइट आंसर होगा जो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स होती है वो होती है टेन सेंटीमीटर जो सर्विक्स है वो कम्प्लीटली जो अपने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है उसके अंदर जो कम्प्लीटली डायलेट करेगा वो कितना करेगा टेन सेंटीमीटर डायलेट करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फिटस हैव ए फाइन डाउनी हेयर्स विच कॉल्ड एज कि एक जो बच्चा है उसके ऊपर जो रुए जैसे फाइन डाउनी हेयर्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे ऑप्शनस हैं वर्निकसोसा एमनियोन कोरियोन एंड लेनुगो जो फाइन डाउनी हेयर्स हैं हम उनको बोलेंगे लेनुगो जो वर्निक्स योसा होता है वो होता है क्रीमिश होता क्रीमिश येलोइस जो फ्लूड होता है एक स्टी स्टिकी प्रोडक्ट होता है जो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बॉडी के ऊपर लिपटा होता है जो एमनियन और कोरियोन होती हैं जो हमारा एमनियोटिक सैक होता है ठीक है जो एमनियोटिक सैक होगा उसकी कवरिंग होगी जो एमियन होगा वो इंटरनल कवरिंग होती है और जो कोरियन होता है वो आउटर कवरिंग होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर नाइट ऑफ प्यपोरियम इश इज नोन एज कि जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई है उसकी जो फर्स्ट फोर नाइट होती है उसमें जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा हम उसको क्या बोलेंगे ऑप्शन हैं शो लोचिया इफेसमेंट एंड लिकोरिया जो राइट आंसर होगा उसको बोलेंगे हम लोचिया ठीक है तीन टाइप के लोचिया होते हैं जो दिखाई देते हैं प्रिप्यूरियम के पोस्टमार्टम पीरियड में तो बेसिकली होते हैं लोचिया रुब्रा लोचिया एल्बा एंड लोचिया सिरोसा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन पेशेंट विद कैंसर ऑफ ब्लैडर इज की अगर पेशेंट है उसको ब्लेडर का कैंसर है तो उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो क्या है ऑप्शन है हिमेटो पेन ओलिगो एंड डाईरेसिस तो हमारा राइट आंसर होगा हिमेटो यूरिया की ब्लड शो होगा यूरिन में ठीक है ब्लड इन यूरिन तो ये जो बेसिकली कॉमन साइन सिम्टम होता है कि पेशेंट है उसको चांसेस हैं कि उसको कैंसर है ब्लैडर का हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल विच इज़ कॉमनली यूज फॉर द फैमिली प्लानिंग इज कि जो फैमिली प्लानिंग होती है उसमें कौन से मेटल का यूज़ किया जाता है ऑप्शन है आयरन एल्यूमिनियम कॉपर एंड सिल्वर तो बेसिकली जो पता होता है कि फैमिली प्लानिंग में जो इंस्ट्रूमेंट करते हैं जो कॉपर टी इंड्यूस करते हैं तो उसका जो मेटल होता है वो होता है कॉपर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मीजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन की कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑक्सीजन के सैचुरेशन पॉइंट को मीज़र करता है ऑप्शन है थर्मामीटर पल्स ऑक्सीमीटर मैनोमीटर एंड फैगोमेनोमीटर तो हमारा राइट right आंसर होगा जो ऑक्सीजन के सेचूरेशन पॉइंट को जो एस टू होती है जो एस टू होती है सेचूरेशन होता है ऑक्सीजन का उसको जो मीज़र करता है वो करता है पल्स ऑक्सीमीटर जो थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर को मीज़र करता है ठीक है एंड जो स्फाइगोमेनोमीटर होता है वो ब्लड प्रेशर को मीज़र करता है ठीक है और जो मेनोमीटर होता है वो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मीजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रेगनेंसी टेस्ट इज बेस्ड बेस्ड ऑन एस्टीमेशन ऑफ हॉर्मोन नेम्ड कि जो प्रेगनेंसी है वो कौन से हॉर्मोन के एस्टीमेशन पर डिपेंड करती है ऑप्शन है एफ एस एच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन प्रोजेस्ट्रोन एन एस सी जी एन एल एच जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होता है उसको बेसिकली जो उसका लेवल है वो प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाता है तो जो एच का लेवल है हम वो चेक करते हैं प्रेगनेंसी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी की कोई फीमेल है जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसमें पूछा गया है कि एवरेज अमाउंट है ब्लड का कितना लॉस हो सकता है ठीक है ऑप्शंस हैं थाउजेंड एम एल थ्री हंड्रेड एम एल फाइव हंड्रेड एम एल एंड सेवन हंड्रेड एम एल तो वेजाइनल डिलीवरी की बात की जाए तो लॉस होगा फाइव हंड्रेड एम एल एंड अगर सी सेक्शन होता है ठीक है अगर सीजेरियन डिलीवरी होती है तो जो ब्लड लॉस होगा वो होगा थाउजेंड एम एल अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको कंडीशन में उसको कंसीडर करेंगे जो पीपीएच होता है पोस्टमार्टम हेमरेज जो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज ए बीइंग मोस्ट अफेक्टिव इन इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो बेस्ट होती है एंड मोस्ट इफेक्टिव होती है कंडीशन में एनाफाइलैक्सिस की एनाफाइलैक्सिस होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक कंडीशन लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी कंडीशन ठीक है कि इतनी सीवियर एलर्जी होना किसी भी चीज से ओवर सेंसिटिविटी होना किसी भी ऐसी चीज से जिससे जो लाइफ है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है वो क्योज हो जाती है ऑप्शंस हैं प्री डेनिसोन एपी नेफ्रिन एंड कोटिकोस्टीरोइन तो हमारा राइट right आंसर होगा कि जो एनाफाइलेक्सिस होता है उसमें जो हमारी चॉइस ऑफ ड्रग होती है, वो होती है एपी नेफ्रिन एपीनेफ्रिन ही फर्स्ट एडमिनिस्टर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक इज कि कौन सी ऐसी आर्टरी है जो नेक को एंड इवन हेड को ब्लड सप्लाई करती है ऑप्शन है कोरोनरी आर्टरी कैरोटिड आर्टरी मिजेंट्रिक आर्टरी एंड इंटरकोस्टल आर्टरी। तो जो हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है वो बेसिकली जो हेड है एंड नेक है उसको जो ब्लड है उसकी सप्लाई करती है एंड जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है बेसिकली हार्ट को ठीक है कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करेगी हार्ट को जो कैरोड आर्टरी है वो हेड एंड नेक को करेगी जो मिजेंट्रिक आर्टरी है वो सप्लाई करती है जो पेनक्रियाज है ठीक है पेनक्रियाज है स्मॉल इंटस्टाइन है एंड जो लार्ज इंटस्टाइन है उस एरिया को सप्लाई करती है मिजेंट्रिक आर्टी एंड जो इंटरकोस्टल आर्टरी होती है जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है जहाँ पर रिब होती हैं ठीक है वहाँ पर इंटरकोस्टल आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है तो बेसिकली हेड एंड नेक का पूछा गया था तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी कैरोटिड आर्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फोलोविंग विच क्रेनियल नर्व इज़ फॉर द स्मेल कि जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो हमारी बॉडी का कनेक्शन हमारा जो ब्रेन होता है वहाँ से कनेक्ट करवाती हैं तो स्मेल के लिए कौन सी जो कोरोनरी आर्टरी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सॉरी क्रेनियल नर्व है वो रिस्पॉन्सिबल है तो बेसिकली सबसे पहले बात की जाए कि ट्वेल्व क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जो ब्रेन है उसका कनेक्शन करवाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ऑप्शन इज ऑप्टिक नर्व ओकुलोमोटर नर्व ओल्फैक्ट्री नर्व एंड फेशियल नर्व तो हमारा राइट right आंसर होगा जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है हमारी ओल्फैक्ट्री नर्व तो जो हमारी ओल्फैक्ट्री नर्व होती है वो क्रेनियल नर्व में हमारी सबसे फर्स्ट नंबर पर होती है फर्स्ट जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है वो होती है ओलफैक्ट्री नर्व ठीक है और जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वो हमारी सेकेंड नंबर पर होती है ओकुलोमोटर हमारी थर्ड नंबर पे, एंड जो फेशियल नर्व होती है वो होती है हमारी सेवन्थ नंबर पे। इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो फेशियल नर्व होती है वो हमारी जो फेशियल मसल्स हैं एंड जो टंग होती हैं ठीक है थीके? उसको ब्लड सप्लाई करवाती हैं ठीक है थीके? कि जो फेशियल नर्व्स होती हैं मसल्स होती हैं और टंग होती है उसको सप्लाई करवाती हैं जो ऑप्टिक नर्व होती है वो जो ब्राइटनेस होती है कोई भी लाइट आ रही है उसकी जो ब्राइटनेस है इवन जो कलर है उसको आइडेंटिफाई करती है और जो हमारे ब्रेन है उसमें सेंसेशन भेजती है जो ओकुलो मोटर नर्व होती है वो करती है जो आई मोमेंट होता है जो सर्कुलेशन होता है जो कंस्ट्रिक्शन होती है प्यूपिल्स की उसके लिए काम करती है तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं क्रेनियल नर्व्स की नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज डिफाइंड बाय द मेडिकल टर्म इज कि अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे ऑप्शन है हाइपर एमेसिस हिमेटो हिमोपटाइसिस एंड हिमाटोएमेसिस एंड एपिस्टेक्सिस तो जो नोज ब्लीडिंग होती है उसको बेसिकली टर्म किया जाता है एपिस्टेक्सिस ठीक है जो हाइपर एमेसिस होता है वो होता है एक्सेसिव वोमेटिंग ठीक है एक्सेसिव वोमेटिंग जो एक्सेसिव वोमेटिंग की कंडीशन होती है उसको बोलेंगे हाइपर एमएसिस और जो हेमोप्टाइसिस होता है वो होता है जब कफ करते हैं ठीक है कफ के थ्रू जो ब्लड है वो बाहर आता है तो उसको बोलेंगे हेमोप्टाइसिस एंड हीमेटो एमएसिस होता है कि वोमेटिंग में ब्लड ठीक है कि अगर बंदा है वो ब्लड वोमिट कर रहा है तो उसके अंदर जो ब्लड है वो शो होगा तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे हीमेटो एमेसिस हिमाटोपटाइसिस बोलेंगे जब जब कफिंग के थ्रू ब्लड आ रहा है एंड हाइपर इमेसिस होगी एक्सेसिव वोमिटिंग की और नाक से ब्लड आना है उसको बोलेंगे हम एपिस्टेक्सिस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हुक वो पेनीट्रेट द बॉडी बाई पेनीट्रेटिंग द स्किन ऑफ कि जो हुकम का इन्फेक्शन होता है जो राउंड वम इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं हम जिसको वो बेसिकली कौन सी जो बॉडी की स्किन होती है जिसको पेनिट्रेट करने के बाद में बॉडी के अंदर एंटर करता है ऑप्शन है हैंड फुट ईयर एंड हेड। तो हमारा राइट right आंसर होगा फुट जो हुकवर्म है एक पैरासाइट इन्फेक्शन है ठीक है पैरासिटिक इन्फेक्शन है पैरासाइट का इन्फेक्शन है जो बेसिकली क्या होता है कि जब अगर हम कोई है कंटामिनेटेड सोयल है ठीक है जिसके अंदर हुक्वर्म है वो प्रेजेंट है अगर नंगे पैर हम उस सोयल पर चल रहे हैं तो जिसकी वजह से जो वो हमारे फुट है उसकी जो स्किन है उससे पेनिट्रेट करके हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ पेशेंट बॉडी विदाउट कंसेंट इज़ टर्म्ड एज कि कोई पेशेंट है जिसके बॉडी को बिना कंसेंट के कि जो होता है कि हम विदाउट पेशेंट के परमिशन के इंटेंशनली टच कर रहे हैं तो उस टर्म को हम क्या नाम देंगे ऑप्शन है नेगलिजेंस असोल्ट बैटरी माल प्रैक्टिस तो हम इसके बारे में जानेंगे तो बेसिकली इंटेंशनली जो टचिंग होती है पेशेंट की बॉडी को विदाउट कंसेंट है तो हम उसको बोलते हैं बैटरी जो बात करते हैं हम नेग्लीजेंस की जो नेग्लिजेंस होता है वो होता है लैक ऑफ केयर की बंदा है उसने केयर प्रॉपर तरीके से नहीं की जिसकी वजह से कोई है एक्सीडेंट है वो हो गया है तो हम उसको बोलेंगे नेग्लिजेंस जैसे फॉर एग्जांपल कि रोड पर जैसे इंडिकेटर लिखे होते हैं कि यहाँ पर आपको स्पीड है वो कम करनी है बट जो ड्राइवर है वो वो देखने के बाद भी अपनी जो स्पीड है उसको कंट्रोल नहीं करता है जिसकी वजह से आगे चल उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको बोलेंगे कि वो केयरलेसनेस थी नेग्लिजेंस थी ठीक है माल प्रैक्टिस किसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस होता है केयरलेसनेस ही बट इसमें क्या होता है जब आप एक प्रोफेशनल सेटअप में होते हैं ठीक है प्रोफेशनल सेटअप में हैं और जो आपकी जो प्रैक्टिस है जो आपका काम करने का तरीका है ठीक है वो जो है वो रोंग है एंड इलीगल है ठीक है रोंग वे होता है एंड इलीगल होता है रोंग एंड इलीगल होगा आप प्रोफेशनल सेटअप के अंदर हैं बट जो आपका काम करने का तरीका है वो इलीगल है एंड रोंग वे है जिसकी वजह से जो आपका जो एक्टिविटी है उसका अफेक्ट दूसरे के ऊपर दिखाई दे रहा है फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने किसी पेशेंट को मेडिसिन है आपने देनी थी किसी टाइम पे बट उसका जो टाइम है वो मिस कर दिया आपने दूसरे टाइम पे दी है तो वो आपके कंसीडर होगा माल प्रैक्टिस में ठीक है एंड इवन जो सर्जरी की अननेसेसरी सर्जरी कर देते हैं कई बार पेशेंट की तो वो भी काउंट होता है माल प्रैक्टिस में अब हम बात करते हैं असोल्ट की और बैटरी की तो बैटरी का तो आपको पता चल गया कि इंटेंशनल टचिंग होती है पेशेंट की बट विदाउट कंसेंट होती है जो असोल्ट होता है वो फिजिकली या वर्बली किसी भी पर्सन को थ्रेटनिंग कंडीशन की बंदे को इतना डराया जाता है या तो फिज़िकली या वर्बली कि जो इंसान है उसके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की उसको इतना डरा दिया जाता है कि जो पर्सन है वो अपने लिए मतलब उसको ख़तरा महसूस होता है ठीक है या तो उसको फिज़िकली उसको बॉडली फिज़िकली टच करके उसको हार्म किया जाता है या फिर उसको वर्बली भी उसको थ्रेटनिंग कंडीशन की जाती है तो वो कंसिडर होगा असोल्ट में नेक्स्ट इज इन विच कंडीशन हाई प्रोटीन डाइट इज गिवन कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हाई प्रोटीन डाइट है वो दी जाती है ऑप्शन है यूरेमिया जॉइडि माल न्यूट्रिशन एंड ऑल ऑफ द अबो तो जो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है उसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट है वो दी जाती है तो हमारा राइट right आंसर होगा माल न्यूट्रिशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिजेशन ऑफ मैंस्ट्रिएशन इज़ टर्म्ड एज कि जो है मैंस्ट्रिएशन की जो प्रोसेस थी उसका सिजेशन हो गया है मतलब वो कंप्लीटली रुक गई है स्टॉप हो गई है तो हम उसके लिए कौन सी टर्म है वो यूज़ करेंगे ऑप्शन है मिनारके थलारके मेनोपोज एंड प्यूबर्टी तो जो मिनारके होता है मिनारके तो होता है कि स्टार्टिंग की शुरू होना किसका मैंस्ट्रिएशन का मैंस्यूरिएशन की जो स्टार्टिंग होती है हम उसको बोलते हैं की जो मेनोपोज होता है वो पे होता है या सिजेशन होता है मैंस्ट्रिएशन का एंड जो थलार्के होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और जो प्यूबर्टी होता है प्यूबर्टी होता है कि सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाना कि जो फीमेल है या फिर कोई मेल है जो बच्चा है वो अपनी एक सेक्सुअली एज तक पहुँच जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे प्यूबर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एजेंट दैट इनबीट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कि ऐसा एजेंट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है उसको हम क्या बोलेंगे ऑप्शन है बैक्टीरियोसाइड फोमाइट बैक्टीरियोस्टेट एंड एंटीपायरेटिक। तो जो ग्रोथ को इन्होंने बोला कि इनहिबिट द ग्रोथ जो ग्रोथ को रोकेगा उसको बोलेंगे बैक्टीरियोस्टेट स्टेट, क्योंकि जो बैक्टीरियो साइड होता है वो किल कर देता है बैक्टीरिया को ठीक है फोमाइट होते हैं कि जो नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं जो कि इन्फेक्शन को कैरी करते हैं जैसे कि क्लोद हो गया एंड जो फर्नीचर हो गया इवन आर्टिकल्स हो गए यूटेंसिल्स हो गए हैं जो इन्फेक्शन को कैरी कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे फोमाइट बैक्टीरियल स्टेट हो गया जो इनहिबिट करेगा ग्रोथ को एंड जो आइटो एंटीपायरेटिक होती हैं वो हम टेम्परेचर के लिए मेडिसिन है वो यूज़ करते हैं बेसिकली हम फीवर में जो मेडिसिन यूज़ करते हैं हम उनको बोलते हैं एंटीपायरेटिक मेडिसिन लास्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज़ टर्म्ड एज की जो टंग है उसकी इन्फ्लामेशन हो गई है हम उसको क्या बोलेंगे ऑप्शन है ग्लोसाइटिस पेरोटाइटिस, जिंजीवाइटिस एंड स्टोमेटाइटिस तो हमारा राइट आंसर होगा ग्लोसाइटिस की जो इन्फ्लामेशन ऑफ टंग है उसको ग्लोसाइटिस बोलते हैं ठीक है तो हमारा राइट आंसर होगा ग्लोसाइटिस जो पेराटाइटिस होता है उसको वो होता है पेरोटिड ग्लैंड है जो पेरोटिड ग्लैंड होती है उसकी स्वेलिंग हो जाना पेरो सॉरी पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग एंड जिंजीवाइटिस होता है गम्स की स्वेलिंग ठीक है जो मसूड़े होते हैं उनकी स्वेलिंग को बोलते हैं गम्स जिंजीवाइटिस एंड स्टोमेटाइटिस होता है जो माउथ होता है उसकी जो लेयरिंग है उसकी स्वेलिंग हो 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 जाना हो जाना जाना जो उसमें घाव उसको बोलेंगे हम इन क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन्फ्लामेशन ऑफ टंग तो उसको बोलेंगे ग्लोसाइटिस तो दैट ऑल फॉर टुडे आपको क्लास कैसी लगी आप जरूर अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी एंड आगे आप और कौन से टॉपिक्स हैं उनके ऊपर क्लासेस चाहते हैं थैंक यू